नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। सियासत हो, समाज हो या जिंदगी, सब में संयोगों का बहुत महत्व होता है। पर कई बार संयोग आपको चौंकाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। संयोग को संयोग मांगना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हम जो बात आज कर रहे हैं वह हरियाणा के विधानसभा चुनाव और हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम की है। इन दोनों के बीच अजीब सा संयोग है। बाबा राम रहीम रेप और हत्या के मामले में 20-20 साल की सजा काट रहे हैं। अभी तक उन्हें 9 बार पेरोल मिला है और 8 बार पेरोल उन्हें तब मिला जब हरियाणा में कोई ना कोई चुनाव रहा हो, राजस्थान का चुनाव रहा हो या पंजाब का चुनाव रहा हो। ऐसे में किसी के लिए यह मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाबा राम रहीम का पेरोल महज संयोग है, सिर्फ अदालती फैसला है। इन दिनों बाबा राम रहीम को 20 दिन का पेरोल मिला हुआ है। हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं। 5 तारीख को हरियाणा में मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे। राम रहीम पर सिरसा के एक पत्रकार रामचंद छतपति की हत्या का आरोप है, जबकि अपने 2 महिला अनुयायियों के साथ दुराचार के आरोप भी हैं। सीबीआई कोर्ट ने इन दोनों मामले में इन्हें सजा सुना रखी है। यही नहीं, तकरीबन 17 दिन पहले बीते यानी 11 तारीख को बाबा राम रहीम को 21 दिन की पेरोल और मिल चुकी है। संयोग है कि इन दिनों भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव ही चल रहे थे। राम रहीम को 50 दिन के पेरोल का अवसर तब मिला जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। बाबा को 20 जनवरी 2024 को पेरोल मिला था। यह बात दीगर है कि बाबा इस पेरोल का लाभ किसी राजनीतिक दल को नहीं दिलवा पाए। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें भाजपा के खाते में आईं और 5 सीटें विपक्ष ने झटक ली। हैरत यह है कि बाबा के पेरोल के संयोग को यह भी पता है कि उनका प्रभाव हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान चुनाव में भी बाबा के चेले प्रभावी हो सकते हैं। तभी तो बाबा को 21 नवंबर 2023 को 21 दिन का पेरोल तब मिला जब राजस्थान चुनाव चल रहा था। 20 जुलाई 2023 को जब हरियाणा में पंचायत के चुनाव चल रहे थे तब भी बाबा को 30 दिन का पेरोल हासिल हो गया था। हद तो यह है कि आदमपुर के उपचुनाव में भी बाबा को 40 दिन का पेरोल हासिल हुआ था। हरियाणा के नगर निकाय चुनाव के दौरान भी पेरोल पाने में बाबा का संयोग कामयाब हो गया था। उन्हें यह पेरोल 17 जनवरी 2022 को 30 दिन का मिला। पंजाब के विधानसभा चुनाव के समय भी बाबा को 21 दिन का पेरोल मिला। इस पेरोल में बाबा 7 फरवरी 2022 को बाहर आए। बीते साल 21 जनवरी को केवल एक ऐसा अवसर आया जब बाबा को 40 दिन का पेरोल सिर्फ उन्हें लुत्फ उठाने के लिए मिल गया, सियासी संबंधों के नाते या सियासत करने के नाते नहीं मिला। बाबा को पेरोल पाने में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन निर्वाचन आयोग ने बाबा के हरियाणा जाने या किसी भी तरह के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा रखी है। लिहाजा इस बार बाबा हरियाणा की जगह अपने आश्रम में बागपत में रहेंगे। रोहतक की सुनरिया जेल से रिहाई के बाद राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित आश्रम पर पहुंचे। राम रहीम का आश्रम बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र के बरनावा गांव में है। इस आश्रम में ही अगले 20 दिनों तक राम रहीम का ठिकाना रहेगा। इस आश्रम में उनकी मुंह बोली बेटी हनप्रीत और उनका परिवार भी उनके साथ ही रहेगा। राम रहीम की रिहाई के खबर के साथ ही उनके अनुयायियों का आश्रम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि डेरा प्रशासन की ओर से अनुयायियों के आश्रम आने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। चुनाव आयोग ने राम रहीम के हरियाणा जाने पर तो रोक लगा दी है, मगर अब वह बागपत स्थित अपने आश्रम से सियासी मिसाइल दागने का काम करेगा। चुनाव आयोग की ओर से राम रहीम के किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने या सोशल मीडिया पर किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे तो देखा जाए तो सजा के बाद राम रहीम का रसूख घटता हुआ चला जा रहा है,
पर सियासत का पता नहीं क्यों इसे मानने को तैयार नहीं है। राम रहीम का हरियाणा की 30 सीटों पर सीधा दखल माना जाता है। ये 30 सीटें हरियाणा के 9 जिलों में सिमटी हुई हैं। हरियाणा में भाजपा राज के दौरान राम रहीम को कई बार पेरोल मिल चुकी है। राम रहीम को इतनी आसानी से पेरोल मिलने से बाबा के अनुयायियों को संदेश गया है कि भाजपा के सत्ता में रहने की स्थिति में राम रहीम को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसे में उनका समर्थन भाजपा को मिल सकता है। डेरा का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत बताया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मार्फत वह किसी भी पार्टी को कितना भी फायदा पहुँचा सकता है। राम रहीम के रिहाई से यह फायदा भाजपा को पहुंचने की उम्मीद सियासी गलियारों में जताई जा रही है। डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ओर से इस बात का फैसला किया जाता है कि चुनाव में आखिरकार किस दल को समर्थन देना है। चुनाव आयोग के प्रतिबंध के कारण भले ही बाबा राम रहीम ने चुप्पी साध रखी हो, पर सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि भीतर भीतर कोई बड़ा खेल बाबा राम रहीम खेल रहा है। हरियाणा में दलित वोटों को हासिल करने के लिए इस बार भाजपा और कांग्रेस में कड़ी जंग दिख रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जाट बिरादरी के मतदाता कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, जबकि पंजाबी, हिंदू और पिछड़ों का वोट भाजपा के साथ है। बनिया और ब्राह्मण वोट भी भाजपा के साथ हैं, मगर कांग्रेस की ओर से इस वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में तकरीबन 21% दलित मतदाता हैं। राहुल गांधी ने भले ही जनता के सामने हुड्डा और शैलजा का हाथ मिला करके एका का संदेश दे दिया हो, पर यह कहना मुश्किल है कि इनके दिल भी उसी तरह मिले हुए हैं। ऐसे में भाजपा ने दलित मतदाताओं से खासी उम्मीद लगा रखी है। सियासी जानकारों का मानना है कि राम रहीम की रिहाई से भाजपा को दलित वोटों का फायदा मिल सकता है। अगर भाजपा दलितों का वोट पाने में कामयाब हुई तो तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। वैसे इस बात को लेकर बहस हो रही कि बाबा राम रहीम किसी भी पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने में कितने कारगर हो सकते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाई थी। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम भाजपा के साथ थे, लेकिन सिरसा इलाके में भाजपा के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिरसा में जीत नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिरसा से कांग्रेस की शैलजा जीतने में कामयाब हुई। सिरसा ही राम रहीम का गढ़ माना जाता है। सिरसा के नतीजे ये बताते हैं कि राम रहीम का कोई सियासी रसूख नहीं है और उनके रसूख से भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन जब कांटे की लड़ाई फंसी हुई हो तो दलित वोटों के लिए राम रहीम की ओर देखना भाजपा की एक बड़ी सियासत कही जाएगी। नतीजे तो जनता तय करेगी, 8 तारीख को बाहर आएंगे, पर सबको बाबा राम रहीम के पेरोल के संयोग परेशान करने लगे हैं। देखना है इस बार बाबा राम रहीम अपनी परीक्षा में पास होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।